उल्टा हुआ। अरे साला इतना भाई चल लड़ाई लग गया रे। अरे हेलो ना रे। अरे काहले होती रे। कहाँ से गाना मना के आ रहे हैं आप लोग इसे? आज के बाद कभी ना जाए रास्ता पे यार। अरे भाई अब जिंदगी में वो रास्ता पे कभी ना जाए वो। तो बोलू कल ये ना लावला तू फिर ले ले हमरा भोसड़ी के हमरा का सौख ही मरवावे के हो सका हो। अरे कोई साला ये के काग लिया रे जा हमरा के बतल हमरा ना से हम जो फिर पंचायत कर दो बेटा बाप की चुतिया बनाई थे लग रहा है कि हम पहचाने नहीं रहे हैं। रुक रुक बताते हैं तू लग रुक। हम जानते हो सब बीमे के काम हर बड़ी दर्द करते हैं। सलाम रहा अपने हालत खराब है ऐसा हमला बदनाम कर रहे बतिये भी नहीं करेंगे सलाह ये लोग सब। अच्छा भैया सवेरे सवेरे पंचायत काहे बुलावल गेले ना पता हो तोरा पहुंची। अरे वो जे नरेशवा के बेटा है ना समेसवा। अच्छा जी एक महीना पहले शहर से पढ़ के आए ओकरा जानते का हुआ है? वो जे शंखुआ के बेटिया है ओकरे से प्रेम हो गया ओकरा। हाय भैया ये तो बड़ा बवाल हो गेले भैया। हां अच्छा भैया त नरेशवा अपन बेटवा के समझाया ना का लगाबो तोरा अपन नरेशवा अपन बेटा के नहीं समझाएगा लेकिन का करिएगा दूर दराज से पढ़ के आया है गरम खून है। हाँ भैया ठीक है कह रहे बात मान है या चल के अच्छा ना समझेगा तो भगवान मालिक है उन लोग के। सही है कह रहे हैं। देखिए सरपंच साहब अब क्या फैसला देते हैं। सरपंच साहब को उसी करेंगे वो अंतिम फैसला ठाकुर साहब के होगा। ठीक है कर अच्छा ठीक है चलिए चलो चलो कैसे धोती पहन लिया है महाराज पंचायती देखे के चक्कर में जल्दी जल्दी में मार दे वही कैसे हो गया है। का बेटा सुमेश शहर का पढ़ा ज्यादा माथा पे चढ़ गया का? सरपंच साहब आपको कोई हक नहीं है बीच में बोलने का हम और रेखा बालिक हैं। ऐसा है ना बेटा ठाकुर साहब देखो ठाकुर साहब आ गए सर जो उठेगा धड़ से कटेगा कहां बचेगा कहां पे बचेगा प्रणाम छोटे ठाकुर। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम ठाकुर साहब। क्या बात है सरपंच आज इतना सुबह सुबह पंचायत क्यों बुलाया? ठाकुर साहब जो रमेशवा का सपूत समेशवा है ना आपके राज में प्रेम विवाद रचाना चाहता है। नरेश काका आप बुजुर्ग हैं हम आपकी इज्जत करते हैं ऊपर से आपका ये इकलौता बेटा है इसको समझाइए शहर में जाके ये जो ज्ञान लेके आया है ना हमारे गाँव के संस्कृति परम्परा के खिलाफ है। आप जानते हैं कि इस गाँव में आज तक प्रेम विवाह नहीं हुआ। अरे ये पाप है पाप हमारे गाँव में आप समझाइए वरना आप जानते हैं ठाकुर है कौन और क्या कर सकता है। अभी हमें विलंब हो रहा है हम निकलते हैं। ठाकुर तुम मुझे प्रेम विवाह करने से नहीं रोक सकते। ठाकुर से इज्जत से बात करते हैं समझा। जो ज्ञान लेके आओ ना तुम शहर से यहीं के यहीं गाड़ देंगे। और बेटा जहाँ तक बात रहा तुम्हारा विवाह का तो आज तक हमारे रहते तो इस समाज में कोई परिवर्तन आया नहीं है। मैंने इसका कहा आज तक कोई परिवर्तन हमने आने नहीं दिया इस समाज में। देखते हैं और आगे से कहां से आ जाता है।
बाबू, भीम, बाबू, क्या हो रहा है भाई? हम लोग के साथ घर पे सो रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। निकल, चल भाई निकल, निकल, निकल। अरे भाई, क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। आज सपना भी देखे बड़ा अजीब एकदम। अरे भैया, हेलो। अरे भाई, कहाँ हो रहा है यार? सो रहे घर पर, पहुंचा रहे वहां पे। आज जो सुते यार भाई उठे तब भाई। अरे यार डराओ मत यार, कैसे फट के बलावर हो ले। तो काम करो, दोनों आओ, दोनों घर पे आओ, असला सुतवे नहीं करें। ठीक है भाई, आ रहा है भाई। ठीक हो अभी? अच्छा सुनना, हम अभी तो 50 रुपए वहां निकाल के रख ले रहे हैं, हमारा काम वो दे दिए। गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया। बच गए भाई, बच गए। अब नहीं सुतेंगे, अब नहीं सुतेंगे, हम लोग नहीं सुतेंगे, अब से नहीं सुतेंगे। हाँ, सही बोल रहा है भाई, एकदम नहीं सुतना है, एकदम नहीं सुतना है। हाँ भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तो? Mam
चले गए। ये तीनों साला डेली डेली है कहे दिख जा रहा है, जॉगिंग से तो मतलब है नहीं लोग को, कुछ तो गड़बड़ है। चलो साले के आज पता कर ही लेते हैं। अरे कहाँ महाराज? ठीक है मिलते हैं फिर। अरे कहाँ जा, अरे रुकिए ना बर्दे। अरे आप लोग ज्यादा नहीं हो रहा है, डेली डेली मजे मारे चल जा रहे हैं, कमजोरी हो जाएगा बता दे रहे हैं आप लोग को। सुनिए ना, अभी दिमाग का दही कीजिए मत, तो चाहिए तो यहाँ से। अरे खिचिया कह रहे हैं, हम तो मजाक ना कर रहे थे जी, हम तो यही लागे बोले कि कोई समस्या है तो बताइए, राकेश के पास हर समस्या का उपाय है। ये मत बताइए खाली कि मारा हो। ना हम ना मानते कि आपके पास हर समस्या का उपाय होगा। तो मत मानिए। अरे रुकिए महाराज, रुकिए। अब जो आप इतना बोल रहे हैं ना, तो एक बार ट्राई करिए लेते हैं इनको, क्या बोलते हैं? तो हम लोग का एक दोस्त का समस्या है, जरा उसका उपाय बताइए तो। ये ना हुआ बात, अब बताइए क्या समस्या है। ठीक है, वो देखिए फ्लैशबैक। अरे बाप, कैसा लगता है। अरे हो गया। अरे रुकिए महाराज, उठ रहे। अरे बप्पर, यानी आप लोग सो रहे घर पे, उठ रहे फिर के नीचे। हे महाराज, हम लोग का कहानी नहीं है। देखिए ऐसा है ना महाराज, कि मेरे माथा पे चू नहीं लिखल है, आपका ऐसा कौन सा दोस्त पैदा हो गया जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। सही बोले राकेश भाई यार, थोड़ा पता चल गया ना, आपके उपाय बताने यार। अच्छा एक बात बताइए महाराज, वो तो आप लोग के साथ कुछ करता रहा नहीं है, खाली पेड़ पे के नहीं चले जा रहा है, सुता दे रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत हमको दिख नहीं रहा। वहाँ से उठ के जॉगिंग करते हुए घर आ जाएगा, सेहत भी बनेगा, फायदा ही फायदा। तो महाराज सुनिए, ऐसा है ना कि डॉक्टर के सामने बवासीर की समस्या और राकेश के सामने जीवन की समस्या, जब तक खुल के नहीं बताएगा सही समाधान नहीं निकलेगा, समझे? अब आप लोग जो छुपा रहे हैं बताइएगा कि हम जा रहे हैं। रुकिए बता दे यार, बता दे। बात कुछ ऐसा है ना महाराज, बस कोई उपाय है तो बताइए महाराज, खाली हंसते रहिएगा। अरे सुनिए, एक उपाय तो भाई बताओ। बस उठा पापा, आ जा दोस्तों। और कितना दूर है तुम्हारे वसुधा बाबा? अरे सुनते हैं कि यहीं पे ध्यान में रहते हैं। अच्छा थोड़ा सा और देखते हैं। बोल के 10 किलोमीटर लिया। हवा चलने लगा रे। अरे बाबा, बाबा
मुश्किल रे बाबा गाल फट गेले बाबा एगो कौन से बाबा गाल मार के रख ली लो ये बाबा बता जा लो बता उठो उठो बालक उठो क्या समस्या है क्या समस्या है बालक उपाय बताइए बाबा अपराध घोर अपराध क्या क्या लो बाबा इसका मतलब तुम सब पापी साला कौन सा पाप बाबा हम लोग तो कुछ नहीं किया आज तक क्या किया बाबा ये लोग अभी बताते हैं तुम लोग का क्या पाप रखो यहाँ पे हाथ